हेलो गाइस, आप भी ड्रीम क्रिकेट 24 में बॉलिंग ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों के लिए बॉलिंग ट्रिक्स लेके आ चुका हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पूरी टीम को एक रन ही दिया और दो ओवर पूरे में कर दिए और एक रन सिर्फ दिया। और ये बॉलिंग ट्रिक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको विकेट बिल्कुल नहीं मिलने वाली, लेकिन आप लोग रन भी एक भी नहीं दोगे और बाउंड्री तो आप लोग बिल्कुल खाओगे नहीं इस जो कि ट्रिक के बाद, क्योंकि बाउंड्री आप लोग इसमें खाओगे नहीं। देखो मैंने 50 रन यहाँ पे बनाए, पहला ओवर दूंगा मैं यहाँ पे शोएब अख्तर को, क्योंकि शोएब अख्तर बहुत ही खतरनाक गेंदबाज आप लोगों को पता ही होगा। तो पहला ओवर शोएब अख्तर को, और सामने कौन है, मोहम्मद नबी और सुरेश रैना, और इनको मैं एक भी रन नहीं देने वाला। और आपको फील्ड कौन से सेट करनी है और हर गेंद में डालने वाले, यहाँ पे यॉर्कर की बात नहीं करता, हर गेंद यहाँ पे मैं आप लोगों को डाल के दिखाऊंगा और उस पर ये लोग बाउंड्री नहीं मार पाएंगे। देख लेना पहली गेंद यहाँ पे गाइस यॉर्कर है, और यॉर्कर पहली डॉट करवा दिया क्योंकि ये लेग साइड बाहर जा रही थी इसलिए आउट नहीं दिया। तो पहली गेंद डॉट और दूसरी भी मैं यहाँ पे यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले यॉर्कर बहुत ही कठिन है, क्योंकि यॉर्कर पे अच्छे खासे शॉट लगा देते। तो आप लोगों को 3-4 में यॉर्कर गेंद डाल के दिखा देता, उसके बाद दूसरी गेंद डालता और फील्ड कौन सी है, फील्ड का कौन सा नंबर है, ये भी आप लोगों में बताऊंगा। तो फील्ड का यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं नाम बता देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको फील्ड का नाम दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को नाम भी बता दे। और ये वाली पिक देख लो, यहाँ पर ये वाली फील्ड आपको सेट करनी है। उसके बाद आप लोग देखो, अब सुरेश रैना आ चुका है स्ट्राइक पर, सुरेश रैना को भी मैं बिल्कुल रन नहीं देने वाला, लेकिन इसमें क्या क्या आप लोगों को गति भी थोड़ी सी कम रखनी है या फिर फास्ट रखनी है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो, एक मैं और यॉर्कर गेंद डालने की ट्राई कर रहा हूं यहाँ पे शोएब अख्तर की, तीसरी गेंद सिर्फ एक रन ही दिया, अभी एक रन ही दिया और तीसरी गेंद हो चुकी, ये भी डॉट करवा दी, क्योंकि यहाँ पर तो एक रन बनता है लेकिन बंदा एक रन से भागा ही नहीं, क्योंकि उसको भरोसा है कि सुरेश रैना बहुत बड़े शॉट मार सकते। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आएंगे और उनको भी मैं यहाँ पे शॉट नहीं मारने देने वाला, क्योंकि इस बंदे का तीसरे नंबर पे सूर्य कुमार यादव भी रखे गए हैं। तो देखते हैं सूर्य कुमार यादव क्या बड़े शॉट मार पाते हैं, लेकिन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि बड़े शॉट जैसे मारने की ट्राई करेंगे तो आउट हो जाएंगे सीधा। इसलिए यहाँ पे बड़े शॉट की बिल्कुल देखो ट्राई नहीं करा, ये ग्राउंड पर गेंद रखने की ट्राई करा, लेकिन बंदा ग्राउंड पर गेंद रख ही नहीं पा रहा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं मार पा रहा और टाइमिंग नहीं कर पा रहा, क्योंकि टाइमिंग तभी होगी आज जब आप लोगों को पता होगा कि कौन सी गेंद आने वाली और कैसी गेंद आने वाली, ठीक है। तो ये पता ही बंदे को नहीं चलता है। देखो अभी यहाँ पे मैंने यॉर्कर नहीं डाली, ये गेंद तो भाई अच्छे खासा है जो कि बैट्समैन वो भी खेल लेता चहल कदमी करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल ख़राब गेंद करता हूँ, देखो गाइस इस फील्ड के हिसाब से ये गेंद बिल्कुल बेकार वाली है, लेकिन इस पर देखते हैं शॉट पड़ता है या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार गेंद है इस फील्ड के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक रन मिल सकता, लेकिन बंदे नहीं एक रन लिया, लेकिन ये ट्रिक बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक वर्क कर रही है। लेकिन इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर फील्ड का थोड़ा सा आप लोगों ने अगर अच्छे तरीके से सेटअप नहीं किया फील्ड का, तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे रन पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो राशिद खान पहली गेंद कितनी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर बंदा रन ही नहीं भाग रहा है, क्योंकि इस बंदे को अब पता ही चल गया कि मैच में हम हार चुके तो रन भागने वाली ये बात नहीं कर रहा, बड़े शॉट की ट्राई कर रहा है, वो टाइमिंग अच्छी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखो लाइन और लेंथ, देखो मैं बिल्कुल ख़राब लाइन और लेंथ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखो गाइस एक भी शॉट नहीं मार पा रहा है बंदा, क्योंकि बड़ा शॉट की बंदा ट्राई कर रहा है लेकिन बड़ा शॉट मार नहीं पा रहा है। इस गेम में आप लोगों को पता ही होगा, अगर अच्छी तरह से टाइम नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे बड़ा शॉट लगेगा नहीं। देखो यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई तो की थी बड़े शॉट की, लेकिन ये भी डॉट गेंद। तो इसी तरीके से आप लोगों पर है जो कि बॉलिंग करनी, अगर आप लोगों को विकेट चाहिए मल्टी प्लेयर में, उस पर गेंदबाजी चाहिए और फील्ड कौन सी उस पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, उस पर भी बढ़ा दूंगा। देखो यहाँ पर एक बार फिर से बंदे ने प्रयास किया, आप लोग देख सकते हो, लेकिन शॉट फिर से नहीं मार पाया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये फील्ड वर्क कर रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ट्रिक वर्क कर रही है। ये गेंद देखो भाई बिल्कुल ख़राब, लेकिन ये भी डॉट बिल्कुल दूर गेंद ही नहीं जा रही है। तो ये वाली फील्ड सेट करो और उसके बाद मल्टीप्लेयर में गेंदबाजी करो, और विकेट मिलती है या नहीं मिलती मुझे लाजमी इस वीडियो में कॉमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आप लोग ज़्यादा रन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते वो भी मुझे आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी गेंदबाजी ला सकूं। यहाँ पर देखो यहाँ पे फुल टॉस में बंदा नहीं मार पाया और मिडन ओवर निकाल दिया यहाँ पे मैंने राशिद खान का। तो इसी तरीके से और ये ट्रिक आप लोगों में बता दूँ कि स्पिनर पे के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करी, और देखो यहाँ पे मैच में विन कर चुका हूँ। तो ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और किसी ट्रिक पर चाहिए वीडियो तो मुझे कॉमेंट करके बताना, उस पर भी वीडियो बना दूंगा।